अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीरज ढींगरा है और काम वैसे मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन उससे आपको मेरी हकीकत पता नहीं चलेगी। पर इतना है कि सवाल कही है, पर छोटे में सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा जाकिर साहब, मेरे ख्याल से आप परसों मतलब फ्राइडे को, शायद आप फ्राइडे को दोपहर को यहां पर आए थे दोपहर के समय यहां देखने के लिए कि अरेंजमेंट कैसे चल रहे थे। मैंने सोचा कि शायद सिंस आप इस औरतों के बारे में इक्वालिटीज की बात करोगे, उनको बराबर के यहां दर्जा दोगे, उनको बराबर में यहां आधा बैठाओगे आधे यहां जगह रखोगे, भले अगर वो औरत कम है तो उनको कम से कम आगे बैठने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। मैं साहब ने अच्छा सवाल किया है, मैं जुम्मा को नहीं आया, मैं शनिचर दोपहर को आया था, कल दोपहर को। हाँ जी, बट उसमें तो कोई तब्दीली नहीं हुई सवाल में, कि मैं जब एक दिन पहले आया और इंतजाम देखा तो औरतें को बराबर क्यों नहीं दिए? क्वांटिटी वाइज तो बराबर दे नहीं सकते, बराबर दिए थे, इतना बड़ा किया था, औरतें नहीं आए तो कम कर दिए। पहले क्वांटिटी पे आऊंगा फिर पोजीशन पे आऊंगा, पोजीशन पे भी आऊंगा इंशाल्लाह, जवाब दूंगा इंशाल्लाह, आपको भी मौका दूंगा। तो पहले अगर क्वांटिटी की बात होती है तो अक्सर जब मैं तकरीर करता हूं तो बॉम्बे के अंदर तकरीबन 25-33% खवातीन आते हैं, तकरीबन 1/4 to 1/3। मैं ओमान में गया था तो 50% खवातीन थे, तो मैंने कहा भाई इतना बहुत क्यों ब्लॉक करके रखे, बट अल्हम्दुलिल्लाह 6000 पब्लिक, तकरीबन 3000 खवातीन थे, यहां भी काफी रखे थे, कम आने की वजह से कम कर दिए। मर्द हालांकि कम से कम 7-8 गुना ज्यादा है, फिर भी 2 मर्द 1 औरत का सवाल। अगर हकीकत में सही हक करने का चाहे तो मर्द के लिए 6 माइक्रोफोन होना चाहिए, खवातीन में 1, तो खवातीन को मैं ज्यादा इख्तियार दे रहा हूं, बराबर कि नहीं? यानी खवातीन हालांकि सारे मजमे में 15% भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज्यादा है। तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रोफोन होना चाहिए 6-7, औरत के 1, फिर भी मैंने कहा नहीं नहीं मर्द के 2 औरत के 1। जहां तक कि पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं, आप बेटा बोलो काफी है जी, भाई साहब ना बोलो बेटा बोलो काफी, आपसे बहुत छोटा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 30 का हूँ, 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूंगा अच्छा मैं अंकल कह लूंगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है। चलो ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए, आप सही पहचान दिया, और 40 भी अब भी हुआ 3 महीने पहले। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा, इसकी वजह थी। वजह यह है कि कैमरा दिख रहा है आपको, कम से कम 7 कैमरा लगे इधर उधर घूम रहे, तो हमारा एक उसूल है कि हम ज्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होगी शायद आप उसको देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा, आप समझिए ना। तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है, तो मैं कहूंगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है, तो लॉन्ग शॉट। मैं यही सोच रहा था कि डाइस में भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है, वो बोलूंगा मैं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा, डाइस का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहता है कि खवातीन को दूर से दिखाना, और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया पीस टीवी, जब खवातीन को क्लोजअप दिखाते तो 3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाते, तो कुरान में लिखा ना कि घूरो मत, तो इसीलिए हमारे उसूल खवातीन को हिफाजत करने के लिए। तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं? हाँ जी, जूम टीवी पे देखते क्या करते? जूम कर देते, हाँ जूम इन करते, हम जूम आउट करते, हम जूम आउट करते, हम जूम इन करते, यही फर्क है, हम खवातीन की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दिए, स्क्रीन है ना मुझसे बड़ा उधर नजदीक है स्क्रीन, तो और साफ देख सकते मुझे, आप समझे ना, वो मुझे और साफ देख सकते। यहां तक कि खातून का सवाल है स्टेज के ऊपर, हमारे इदारे में इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन में 10 खवातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते सिर्फ औरत सुनते, हम नहीं चाहते कि वो तकरीर करते टाइम पे गैर मर्द उनको घूरे। तो जब वो तकरीर करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाल्लाह हजारों खवातीन है तकरीर की, मजमा बड़ा है अलहमद, लेकिन हम नहीं चाहते का तकरीर करते वक्त हम हिजाब को मेंटेन करते। जब और भी मर्द है
جو تقریر کر سکتے ہیں تو اسی لیے ہم ان کی شوٹنگ نہیں کرتے آپ سمجھے نا تو اسی لیے اسلام میں عزت دی گئی عورت کو اور یہاں سٹیج کے اوپر بھی انٹر منگلنگ ہوئے گا نا انٹر منگلنگ ہوئے گا یہاں بھی سٹیج پہ کیمرہ کوئی دن جائیں گا آپ سمجھے نا تو اسی لیے ہم خواتین کی عزت کرتے لیکن اگر صرف خواتین آڈیٹوریم میں تو ماشاء اللہ ایک کیا دس خواتین سٹیج پہ بیٹھتے اور لمبی لمبی تقریر کرتے پورے دن کے لیے کوئی اعتراض نہیں لیکن صرف خواتین سنیں تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواتین کو ہم عزت دے یہ عزت دینے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے طریقہ اسلام نے تیار کیا ہے ہوپ دی آنسر دی کوسچن اور کوئی سوال آتے ڈیفینیٹلی ذاکر صاحب مجھے ایک بات ضروری کہنی تھی آج آپ یہاں پر وومنس رائٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو جی ہاں دیکھیے سوال جو ہر انسان چاہتا ہے اور ہر انسان کے دماغ میں گھومتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں سچ کیا ہے میرے خیال سے سچ انسانیت ہونی چاہیے دھرم ایک انسانیت ہیومینٹی سو وی شوڈ ٹاک اباؤٹ ہیومینٹی فرسٹ آئی تھنک دھرم ہر دھرم میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یو آلویز ٹاک اباؤٹ کامن ٹرمس میں آپ کے بہت سارے شوز دیکھا ہوں یو ٹاک اباؤٹ کامن ٹرمس بٹ وائی بائی اے نیم وائی ناٹ بائی اے نیم ایز ہیومینٹی بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے لیکن ہیومینٹی کیوں نہیں کہہ رہے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دھرم ایک سوچ انسانیت بس اتنا سوچ کے چلے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کچھ غلط کر پائے گا کہیں پر کوئی عورت کو الگ سے پردہ کرنا پڑے گا جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا پہلے سوال پہ کہ جو منی اسکرٹ پہنے اور جو برقع پہنے تو منی اسکرٹ پہ نظر پڑے گی پر اگر وہ انسان خود پڑھا لکھا ہو جس کی نظر آ رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ اسکرٹ والی پہ بھی الگ سے نظر رکھے گا بھائی صاحب بہت اچھا سوال کیا غلطی تو اس کی ہے جو الگ سے دیکھ رہا ہے بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب بہت اچھا سوال ہے پہلا سوال میرے کئی سوال ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا جی میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے کئی سوال ان شاء اللہ مجھے موقع سے دو سوال لے کے آئیں گے واپس آپ کے پاس آئیں گے ضرور بھائی صاحب نے پہلے سوال کیا تھا کہ ہیومینٹی کیوں نہیں ہیومینٹی ہونا چاہیے مطلب انسانیت یہ دھرم کیوں اسلام ہندوازم دھرم کیوں انسانیت ہونا چاہیے اور پھر سوال کیا ہے کہ اگر اچھا انسان یہ تو رول ریگولیشن کی ضرورت نہیں اس کے مثال میں بعد میں دوں گا پہلے سوال انہوں نے کہا بھائی صاحب اسلام میں آپ اچھا مسلمان بن نہیں سکتے تب تک جب تک اچھے انسان نہیں ہیں پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے آپ سمجھ رہے آپ جب تک اچھے انسان نہیں ہیں تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے سمجھا پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہمارے لیے آپ سمجھے نا اچھا انسان مطلب جسٹ پاس اسکول ہم چاہتے ہیں گریجویشن ہو آپ کے اتنے قریب آنا آپ سے اتنی بات کرنا میں پہلے دو سوال کا جواب دوں میں صاحب پلیز سر پلیز سر باقی لوگ بھی ٹھہرے ڈیفینیٹلی میں پہلے دونوں سوال کا جواب دوں گا اور پھر آپ بتاؤں گا ہاں میں رہوں گا ڈرو مت انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا تو اچھا انسان ہونا ضروری ہے لیکن پہلا نمبر پہ آپ بولتے دھرم کی کیوں بات کر رہے میں دھرم کی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ لوگ دھرم کو مانتے ہیں اور میں یکسانیت پہ بات کرتا ہوں بالکل صحیح کہا آپ نے سملرٹی ناٹ ڈفرینس تو میرا صحیح مقصد ہے آپس میں یکسانیت کا اور آپ جو بولتے ہیں کہ دھرم کی بات کیوں انسانیت کی بات کس کے بل بوتے پہ کروں کیا گاندھی جی کے کس کے بات کوئی تو ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی بات مانو جو ہمارا بنانے والا ہے خدا آپ سمجھ رہے کہ نہیں آپ جو کہیں گے انسانیت ہے میں شاید وہ بات نہیں مانوں گا ڈفرینس ہوگا نا کئی بات ہمارا یکساں رہیں گے کئی بات نہیں بھی رہیں گے آپ سمجھ رہے کہ نہیں کتنے بات میں وی مے ڈفر آپ کہیں گے کہ آگے رکھو میں کہوں گا پیچھے رکھو تو جھگڑا ہوئے گا تو اسی لیے اس کی بات مانے جس نے ہمیں بنایا آپ اور ہم انسان کو جانتے ہیں سب سے بہتر کون جانتا ہے ہم آپ کو بنانے والا ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں شاید آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں اسٹڈی کیا ہوں لیکن جتنے ڈاکٹر دنیا میں بیسٹ ڈاکٹر ہو سب کو ملا کے اس سے اوپر ہے ہمارے بنانے والا ہمارا خالق ہم کو بنانے والا وہ جانتا ہے کہ دماغ کس طریقے سے انسان کا چلتا ہے تو وہ جو میں کہتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اسی لیے اس کتاب میں آپ کو ایک بھی ورس ایک بھی الفاظ نہیں ملے گا جو انسانیت کے خلاف ہے آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ خلاف ہو سکتا ہے غلط فہمی لیکن انشاءاللہ اگر غلط فہمی ہے تو موقع دیتے لوگ کو سوال پوچھنے کا تو کیا میں آپ کو جواب دے سکوں کیوں یہ غلط فہمی ہے تو غلط فہمی کو دور کرتا ہوں میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے اندر کیونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے اس کے اندر ایک بھی آیت انسانیت کے خلاف نہیں جتنے پہلے کتابیں آئے
उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूं ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो? लिखा है लेकिन वेद में, कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा गलत कर रहा है उसको सजा होगी, समझ रही नहीं? मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूं इस्लाम, इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते मुस्लिम। मैं तकाबिल मजाहब का स्टूडेंट हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छी बात सिर्फ लेता हूं और बोलता हूं कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हो जो मैं कर चुका हूं मेरे कसट में, तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूं। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूं। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने? एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूं, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की, आप समझ लो ना। तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। आपका जो दूसरा सवाल था, आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए वक्त के साथ हर चीज बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान जैसा लिखा था कि आदम एंड ईव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीजें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में है, लास्ट में है, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना यह है कि शायद हर चीज ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आया है कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहां पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया, आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीजें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितने हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को इजाजत देता है, जितना कुवत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन बुनियादी उसूल वही है। बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, बदपरस्ती मत करो। तो ये उसूल वेदा में भी है, ये उसूल बाइबल में भी है, कुरान में भी है, लेकिन जो स्मॉल एस्पेक्ट्स है दैट मे चेंज। और 1400 साल पहले अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आखिरी पैगंबर भेजा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि दिस डे आई हैव कंप्लीट माय फेवर ऑन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम। इस दिन मैंने मेरा फेवर इंसानियत पे कंप्लीट किया और आपके लिए चुना इस्लाम। इस्लाम माने आप अमन हासिल करेंगे अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करने के बाद। इसके बाद इवन द माइनर रूल जो है वो फिक्स हो गए, इसके बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अभी ये जब आखिरी है, इसके बाद देयर बी नो एडिशन। तो आज की तारीख में हमें फॉलो करना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जिक्र वेद में भी है। तो सारी किताबें कहती है कि एक खुदा को मानो, बुत परस्ती मत करो, और पैगंबर आएंगे उसमें से आखिरी पैगंबर होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात मानो। तो आप वेद भी पढ़ेंगे तो ये लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे भी ये लिखा है। तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि उससे वही आती है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कहते हैं अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको जरूरत है साइकेट्रिस्ट की। वहां तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इस कुरान को कोई बदलेगा नहीं।
اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے اور قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اس کے بعد اگر کوئی بھی دعویٰ کیا میں پیغمبر ہوں اس کا مطلب اللہ جھوٹ بول رہے ہیں اس بلّا تو ہو سکتا ہے اور سمجھے نا تو اللہ تو سچ ہی بولیں گے تو اللہ جب سچ بول رہے اور کہہ رہے کہ آخری پیغمبر ہے اس کا مطلب اس کے بعد آپ چاہے انڈیا میں رہ رہے یا سعودی عربیہ میں یا پاکستان میں یا امریکہ میں آپ کو ماننا چاہیے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن شریف. Hope that answers the question. Thank you.